हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास क्राफ्ट एंड क्रिएशन। सो आज मैं आपके लिए ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर वास का DIY लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैंने पुरानी झाड़ू का यूज़ किया है जो कि ख़राब हो चुकी थी। उसकी मैंने कुछ ये स्टिक्स निकाल ली थी, जिनको कि मैं अब वाटर कलर से पेंट करने वाली हूँ। तो इसको हम पेंट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। इस तरीके से हम जो स्टिक्स हैं उनको पूरा कलर कर लेंगे। और अगर आपके पास इस तरीके की पुरानी झाड़ू अगर घर में होती है, तो आप उससे और भी ब्यूटीफुल से बहुत सारे DIY बना सकते हैं, लाइक मी। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं, एंड डिफरेंट कलर शेड्स में आप ये जो स्टिक्स हैं इनको कलर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको पहले थोड़ा पानी में गीला कर सकते हैं, ताकि उसमें कलर्स अच्छे से फैल जाए, कलर्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हम ड्राई होने के लिए 1 आवर के लिए रख देंगे। इस तरीके से मैंने ये ऊपर का पार्ट भी कवर कर लिया है, तो अभी ये पूरा कलर हो चुका है। देखिए कलर होने पर ये कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से मैंने अलग अलग कलर्स में शेडिंग करके रख लिया था। तो ये हैं वो कुछ अदर स्ट्रिप्स जो मैंने कलर कर लिए थे इसके। आप शाइनिंग के लिए इसमें ग्लिटर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम जो झाड़ू की जो स्टिक्स हैं जो कि हमने कलर कर ली है, उसको हम फ्लावर वास में अरेंज करने वाले हैं। इस तरीके से 1 by 1 हम सारे स्टिक्स को इसमें अरेंज कर देंगे। देन इसके बाद मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रखे हुए हैं, जो कि मैं इसमें लगाने वाली हूँ। फर्स्ट हम इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे, देन उसके बाद हम फ्लावर्स एंड जो भी अदर चीज़ें हैं, तो उससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है जो कि मैंने इसमें लगा दिया है। इस तरीके से जो कुछ आर्टिफिशियल लीव्स भी मेरे पास थी, तो मैंने इसमें सारे लगा दिए हैं। अब लगाने के बाद देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसमें और कुछ भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, लाइक मी। तो मेरा जो DIY का जो वीडियो था, वो अब रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा फ्लावर वास का आइडिया?
अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़. थैंक यू.